गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी ने कहा है कि मैं विशेष टॉपिक ते कोई गल करनी है। मैं तो विशेष इस कारण लिए आई सा कि कुछ सीख के जाना है। जो साडे गदरी बाबे सन, वो कौन सन? उन्होंने कुर्बानियां बाबत जो वक्खो वक्खरे थावां तो वक्खो वक्खरी चीज़ां सुनी दियां हन कि वो सच कित्थे है। खैर, मैं हिस्टोरियन नहीं हाँ ते ना ही गदरी बाबरियां दे बाबत मैं कुछ लिखिया है या ज़्यादा पढ़िया है। पर वैंकूवर आण के जदों असी कोमागाटा मारू दे मेमोरियल ते पहुंचे, दो वीर मैनू लैके गए सन, कमलजीत सिंह ते हरकीरत सिंह। अजे मैं पहुंची ही सा वैंकूवर ते सानू लभना पिया सी वह मेमोरियल, ते असी हादसे विच सोचिया शायद कितने झाड़ियां विच लुकिया पिया होगा। पर खैर, जदों पहुंचे पता लगा कि सोहनी जगह पे कोल हार्बर दे इलाके विच वो मेमोरियल सी। असी उत्थे खलोते, दोवें वीरां ने मैनू कहा, भैन जी इन्हां दीआं दस्तारां पुठियां सजाईआं होईआं ने। ते खैर, मैं विस्तार नहीं सजाउंदी, सो मैनू इस दी पछाण नहीं सी। ते मैं कहा मतलब, ते फिर असी वेख्या कड़े उन्हां दे पुठे हथ विच सन, खब्बे हथ विच सन, सज्जे हथ विच नहीं सन। फिर पता लगा कि उन्हां ने फोटो ही जो लैटरल इनवर्शन हुंदा है उस तरह लगाया होया सी। ओह दासी सी कि इन्हां ने फोटो नहीं ठीक लाया। फिर मैं उसका प्लाक पढ़ना शुरू किया जिथे नाले जो इनफॉर्मेशन हुंदा है। ते वीरो ते भैनो, मातावो, पिता जीओ, उस प्लाक ते जिस प्लाक ते उन्होंने कोमागाटा मारू दी कांड नूं जिहनूं तुसीं कहिंदे हो कुरबानी नूं जो लिखिया सी, उत्थे एक लफ्ज विच वी पंजाब जां सिख नहीं है। उत्थे इंडियन Indians had arrived at Coal Harbour. जो फर्स्ट डे कवर मई विच इस कंट्री ने छपाया है, उस विच वेरवे नाल बहुत सोहनी तरीके नाल किया, सो मैनी सिक्स फ्रॉम पंजाब, सो मैनी हिंदू, सो मैनी मुस्लिम्स वर ऑन दैट शिप। पर जिहड़ा तुहाडा एक मेमोरियल है, जिस मेमोरियल ते लिखिया है कि दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इमीग्रेशन पॉलिसी ऑफ द देन कैनेडा, उत्थे भी असी अपना जो माण है, जो कुर्बानियां हैं गदरी बाबे दियां, जो कोमागाटा मारू दे कांड दे बाद जो होया है, असी उत्थे भी नहीं माण लै सके। सो शायद एक वकील होण दे कारण मैं उही गल्लां वेखदी हाँ जिस नाल कोई लड़ाई दी गल मिलदी है। पर मैं अपने नाल इह प्रण कीता है जो संगत विच जो वीर भैण कोमागाटा मेमोरियल जां कोमागाटा मारू सोसाइटी दे मैंबर हन जां जो भी उस पक्खों सेवा करदे हन, अपन जुड़ के इसकी करैक्शन करिए। पहला फोटो ठीक करिए क्योंकि पुट्ठा लाया हुआ। पर सब तो वड्डी गल है जो वो प्लाक ते गल पूरी नहीं है, उस पूरी करिए क्योंकि उस वेले कोई इंडियन नहीं सी। दैट वॉज ब्रिटिश राज, इट वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी। केड़े इंडियन की तुसी गल कर रहे हो? वो किन्ने लिखवाया, किन्ने नहीं लिखिया, उसके पिछे नहीं सी जाना। पर जे मैं इस मैदान विच बैठी, गुरु दी हजूरी विच आई, कुछ तुहाडे नाल शेयर कर सकांगी। यही बोल सन कि जो मैं वेख्या, नॉट एज अ हिस्टोरियन बट जस्ट अ पर्सन विद टू आईज। तुसीं भी गए होंगे उस मेमोरियल विच, शायद तुसीं भी वेख्या होएगा कि उस मेमोरियल ते जो प्लाक है उत्थे ना एक लफ्ज पंजाब दा है ना सिख दा। होर दो जो मैं गल्लां करनियां हन उह शहादत दीआं करनियां हन। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ
जो आन के प्रोजेक्ट्स बाबत हम दसते हैं उन्होंने तो पता लगता है, पर जिहड़ी शहीदी है वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं जो तुकां दसियां गईयां हन उन्हां नूं मुख रख के कि उस हालात विच बंदा शहीदी पाउंदा है जिथे वह कहिंदा है कि मैं रुल जावां पर मेरा पंथ वसे। उस पद्धर ते तुसीं कदी अपने आप नूं सोचिया है कि तुसीं कदी पहुँच सकते हो ते क्यों नहीं? कदी मंग कीती है? अज अमृत प्रकाश गुरुद्वारा है जिस जो 126 स्ट्रीट ते है उत्थे एक विद्वान ने कथा कीती सी कि उद्यम की चीज़ है कि असी उद्यम कीता है कि असी भी एक दिन शहीद बनीए। शहीदी जींदियां भी पा सकदी है। सो इन्हां लफ्ज़ां दे नाल मैं तुहाडे सामने यही प्रण करांगी कि इत्थों जाण तो पहलां माफ़ करना, असी इत्थे 3 महीनों वास्ते आए हाँ क्योंकि असी जो सिखां दे 30 साल हो गए हैं जून ते नवंबर 84 दा जो घल्लूघारा जेनोसाइड होया है उसनू मुख रख के एक वॉक करवानी है तुहाडे तो 5 किलोमीटर की वॉक होएगी जिथे असी कोमागाटा मारो दी मेमोरियल ते भी ठहरांगे। उस वॉक की कार्रवाई लिए आए हाँ, असी तुहाडे गुरु घरां विच आवांगे, तुसी प्लीज़ पार्टिसिपेट करना क्योंकि असी सिख किसी दे बुलाए ते ना जाइए, सिर्फ असी किसी नूं बुलाइए भी। सो द सिक्स विल बी द होस्ट फॉर दिस वॉक एंड आई होप दैट द संगत एंड द प्रबंधक हू आर प्रेजेंट टुडे विल गिव अस सपोर्ट सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज इट ऑन बिहाफ ऑफ द सिख कमेटी। इन्हां लफ्ज़ां दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।